ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। खबर सागर जिले के खुरई से है, जहां एक मकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें, सुभाष वार्ड के एक मकान में सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लग गई। जब यह हादसा हुआ, उस वक्त घर के सभी लोग अपने खेतों पर गए हुए थे। वहीं वार्डवासियों ने ऊपर के कमरों में आग निकलते हुए देखा, धुआं निकलते हुए देखा, तो परिजनों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग का कारण सिलेंडर लीकेज या शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। कारण तो समझ में नहीं आ रहा है। विज्ञान हमारे लिए फोन लगाया है, जब हम घर पर आए हैं और जब देखा तो हमारी भांजी का भी सामान रखा हुआ था दहेज में देने के लिए। 1 साल पहले शादी हो गई थी, क्लियर। कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाई, तो सामान भी रखा था। जो सागर से दहेज का सामान मिला था वो भी A to Z पूरा सामान था। दान दहेज वगैरह जो भी देने लेने वाला सामान था, सभी सामान रखा हुआ था, तो डबल सामान हो गया दहेज का। 10-12 लाख रुपए का तो जो हो गया सामान, और घर गृहस्थी का सामान भी प्लस में अलग से आएगा। हाँ, यह सोयाबीन बेच के आया था, वो नकदी वगैरह भी रखा था, अभी वो अलमारी में रखा हुआ था, तो वो भी जल गया है। ये है कि सिलेंडर फटने से यहाँ पे आग लगी हुई है, तो जैसे ही हमें सूचना मिली फायर ब्रिगेड को हमने सूचित किया, और यहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद है, और ये स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे आग को कंट्रोल कर लिया गया है। और इसमें जो भी संपत्ति है, जो फरियादी इसमें बताएगा, तो उसके आधार पे हम नुकसानी पंचनामा घोषणा के शासन को भेजेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उनको मुआवजा मिल सके, हम हर संभव प्रयास करेंगे। इसमें कोई जनहानि